हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कन्वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जिसमें टोटल पांच इक्विपमेंट हैं जो फोकस में रहेगा दैट इज़ कॉट स्विच पीसीएस बेल्ट से स्विच बीएसएस जीरो स्पीड स्विच जेड और लास्ट के दो कॉमन हैं दैट इज इमरजेंसी स्विच और होटर्स तो उनके एप्लीकेशन और वर्किंग प्रिंसिपल पर भी हम लोग फोकस रखेंगे सो so, ले स्टार्ट द वीडियो मेन टॉपिक पे आने से पहले एक कन्वेयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उसे देख लेते हैं सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्वेयर यूज होता है नेक्स्ट स्टील मेकिंग प्रोसेस में कन्वेयर्स का बहुत बड़ा यूज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन और का मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर्स ही होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं उसका मूवमेंट करना होता है फाइनल प्रोडक्ट लाइक सेंटर उसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं फूड इंडस्ट्री में यहाँ पे दो स्लाइड्स हैं आपके सामने जितने स्लाइड्स हमने देखे उससे कुछ फैक्ट निकल के आते हैं रिगार्डिंग द बेल्ट कन्वेयर तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बेल्ट कन्वेयर या फिर कन्वेयर के यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए और इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को या तो हम स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं या फिर उसके एलिवेशन या फिर डायरेक्शन को चेंज करके सेकेंड पॉइंट है जैसा कि हमने देखा कि बहुत एन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन में बेल्ट कन्वेयर का यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल फूड प्रोसेसिंग उसके बाद मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग के एग्जाम्पल हमने देखा था स्टील मेकिंग प्रोसेस में और उसके बाद अदर हैवी जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे कन्वेयर्स का यूज़ किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट ये एक फास्ट और ईजी प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का फ्राम वन लोकेशन टू अनदर और इसका एक अच्छा बड़ा एडवांटेज है कि रिड्यूस करता है जो हमारा लेबर कॉस्ट है किसी अगर इंसान को या मशीन को इस चीज़ में अगर हम लोग लगाएं किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो उसका कॉस्ट कम करता है और हैंस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है फाइनली ये पे आना पड़ेगा तो इसका फ़ीचर्स जो है काफ़ी लिमिटेड है बस ट्रांसपोर्टेशन है दूसरे किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कन्वेयर बिल्कुल सेफ्टी से आपको काम करना होता है जब भी आप कन्वेयर्स के आसपास काम कर रहे हो इफ़ नॉट वो आपको स्ट्रक करेगा अपनी तरफ खींच लेगा और रिज़ल्ट फैटिलिटी में होता है किसी के डेथ में होता है और लास्ट पॉइंट है अगर कन्वेयर्स का यूज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन और को ट्रांसपोर्ट करने में तो इन दैट केस कन्वेयर्स के बेल्ट को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है जिसके रिज़ल्ट में जो भी मटेरियल है वो उसमें स्ट्रक हो जाता है चिपक जाता है और जो रिटर्न आइडलर्स होते हैं रोलर्स होते हैं उसमें जाके बैठ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है कन्वेयर्स का कन्वेयर के सेफ्टी कंपोनेंट्स को समझने से पहले कन्वेयर का जो स्ट्रक्चर है वो समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए ये स्लाइड मैंने इंक्लूड किया है so, सो नीचे से स्टार्ट करते हैं टील पुली उसके ऊपर फीड पॉइंट है जहाँ पे कोई सामान रखाता है फॉर एग्जांपल अगर आयरन और है तो वहाँ पे डम्प करेंगे वो आयरन और फाइनली ऊपर तक जाएगा और ऊपर तक जाने के लिए वो बेल्ट रबर बेल्ट को यूज़ करता है सो रबर बेल्ट नेक्स्ट कैरी आइडलर्स और उसके ऊपर में हेड पुली है विथ गेयर बॉक्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर जनरली इंडक्शन मोटर ही होता है नेक्स्ट डिस्चार्ज पॉइंट इन केस जैसे कि के हमने एग्जांपल लिया था आयरन और टेल एंड में फीड पॉइंट पे हम लोग डाल रहे हैं तो हेड एंड से वो डिस्चार्ज पॉइंट की तरफ गिरेगा उसके बाद टेकअप पुली है बेल्ट को टेंशन देने के लिए रहता है और रिटर्न आइडलर्स तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें आगे जो हम कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा वो देख सकते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग अपने सेफ्टी कॉम्पोनेंट पर आएंगे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस पांच सेफ्टी कॉम्पोनेंट का हमने बात किया था वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं पहला है पुल कॉर्ड स्विच नेक्स्ट बेल्ट स्विच बी थर्ड पे है जीरो स्पीड स्विच एंड फोर्थ इमरजेंसी स्विच और फिफ्थ हुटर साइरन तो फोर्थ एंड फिफ्थ कॉमन है बहुत से अदर एप्लीकेशन में भी यूज़ किया जाता है अब इसे हम एक एक करके अगले स्लाइड से डिटेल में चेक करते हैं पहला सेफ़्टी कंपोनेंट है पुल कॉर्ड स्विच शॉर्ट फॉर्म पी तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं पुल कॉर्ड स्विच को जो हमारा कन्वेयर है उसके गैलरी के साइड में ही लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोप्स और जब भी कन्वेयर को किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी सिचुएशन में रोकना हो तो रोप्स को खींचा खींचा जाता है जिसके चलते कन्वेयर स्टॉप हो जाता है अब उसके अंदर का प्रिंसिपल क्या है उसमें कौन से चेंजेस होते हैं वो अगले स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे काफ़ी क्लियरली आपको दिख रहा होगा पुल कोट स्विच कैसे कनेक्टेड रहता है कन्वेयर के जस्ट बगल में और उसके दोनों साइड्स रोप्स होते हैं जो कि अगले पुलकाट तक कनेक्ट होंगे तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन जो भी ऑपरेटर है या फिर टेक्नीशियन है अगर उसको कन्वेयर को रोकना है स्टॉप करना है तो उसे बस पुल कोट्स रोप्स को खींचना होता है अब इसके इंटरनल क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं पी का इंटरनल पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं पी के अंदर एक लीवर रहता है जो कि हैंडल के साथ कनेक्टेड रहता है हैंडल फर्दर रोप्स के साथ कनेक्टेड होते हैं जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा नेक्स्ट जब भी रोप्स को खींचा जाता है तो वो हैंडल के थ्रू लीवर को ऑपरेट करता है और लीवर के थ्रू जितने भी स्विचेज आप यहाँ पे देख रहे हैं एन ओ एन सी जनरली एन सी रहता है और लीवर को खींचने के बाद वो एन NO ओ में कन्वर्ट होता है सेम प्रिंसिपल हमारा बी एस एस में भी काम करता है तो पी सी एस और बी एस एस का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है इसे हम अगले स्लाइड से भी प्रॉपरली समझ सकते हैं सेफ़्टी कंपोनेंट के जितने भी सिग्नल्स होते हैं उसे या तो डायरेक्टली कंट्रोल सर्किट में इंक्लूड किया जाता है या फिर विद द हेल्प ऑफ पीएलसी उसे सिस्टम में इंक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं पीएलसी के थ्रू पुल कार्ड के जितने भी स्विचेस हैं सिग्नल्स हैं उसको लिया गया है नेक्स्ट यहाँ पर टोटल पाँच पुल कॉड्स हैं सेम आप अप्लाई कर सकते हैं बी के लिए भी दोनों का प्रिंसिपल सेम ही रहेगा सो so, इस केस में देख सकते हैं पांच जो पुलकॉड्स हैं वो सब हेल्दी कंडीशन में है सब एनसी है सो so, जो 24 वोल्ट है वो पहले से जाके पाँचों पुलकॉड के थ्रू होते हुए नंबर टू पे आया है और जो ग्रीन इंडिकेशन आपको दिख रहा है वन के अपोजिट में वो आ रहा है तो ये एक हेल्दी कंडीशन है इसके अगले स्लाइड में हम देखते हैं किसी भी एक पुलकॉट को एनो करेंगे और उस केस में जो हेल्दी सिग्नल है वो नहीं आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो पहला पुलकॉड है उसे एनसी से एनओ किया उसे एक्ट किया और जो 24 वोल्ट का सिग्नल लूप होकर आना चाहिए था सेकंड नंबर पे वो नहीं आ रहा है और जो ग्रीन इंडिकेशन था वो चला गया तो कुछ इस तरह पुल कॉर्ड स्विच पी काम करता है सेम प्रिंसिपल बी का है तो उसे हम जल्दी कवर करेंगे सेकेंड कॉम्पोनेंट है बेल्ट से स्विच बी एस फॉर्म तो ये कन्वेयर के साथ बेल्ट के साथ एक राइट right एंगल के साथ फिक्स रहता है जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे और बी तभी काम करता है तभी ऐड करता है जब बेल्ट अपने लॉन्गील डायरेक्शन में मूव करें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब है बेल्ट अपने स्ट्रेट पाथ से लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड में मूवमेंट करें तो उस मूवमेंट को ही स्वे कहते हैं और इससे नाम पड़ा है बेल्ट स्वे स्विच तो जब भी बेल्ट लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड मूव करेगा तो बेल्ट डैमेज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ वियर वियर एंडियर सो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए बीएसएस को यूज़ किया जाता है

कन्वेयर का जो एक्चुअल स्पीड है उससे काफ़ी लेस स्पीड में कन्वेयर मूव कर रहा है तो ये दो चीज़ डिटेक्ट करता है जेड और डिटेक्ट करने के बाद एक फीडबैक देता है कंट्रोल रूम को या फिर पी को दैट सिस्टम हेल्दी नहीं है सिस्टम में कुछ गड़बड़ है उसे आप चेक करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेड को हमेशा आप टेल एंड में फिक्स करें हेड एंड में नहीं अब टेल एंड जो हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा था वो है और इसका रीजन ये है कि अगर आप हेड एंड में फिक्स करते हैं और इन केस बेल्ट कट भी होता है तो हैड एंड बिकॉज ऑफ़ मूवमेंट ऑफ द मोटर वो हमेशा जेड सेंस करता रहेगा कि सब कुछ नॉर्मल है और सिस्टम को स्टॉप नहीं करेगा और बेल्ट और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है तो हमेशा जेड एस को जेड एस एस को, को टेलेंट में ही फिक्स करें और नेक्स्ट पॉइंट है जेड एस एस में जो पार्ट्स होते हैं वो है एक सेंसर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो इस जेड एस एस पे एक कम्प्लीट वीडियो है डिटेल में जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर सिर्फ जेड एस एस पे आपको फोकस करना है तो उस वीडियो पर आप चले जाएँ आपको पूरा डिटेल मिलेगा नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ कॉम्पोनेंट जो कि है इमरजेंसी पुलिस बटन जैसा कि हमने पहले ही बात किया था इमरजेंसी पुलिस बटन और होटर या फिर सायरन एक कॉमन सेफ्टी इक्विपमेंट्स है जो कि सिर्फ कन्वेयर्स में नहीं बाकी जगह भी यूज़ होता है तो इन दोनों के एप्लीकेशंस को एक एक करके देख लेते हैं पहले इमरजेंसी पुलिस बटन पे आते हैं इस केस में पहला पॉइंट है पर्पस क्या है इमरजेंसी पुश बटन लगाने का तो बहुत कॉमन सा पर्पस है सिंपल सा पर्पस है जब भी किसी सिस्टम में एक हजारडस कंडीशन डेवलप होता है अकर होता है तो वहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन को सडनली प्रेस किया जाता है एक्ट कि, एक्ट किया जाता है सो दैट सिस्टम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट स्टॉप हो जाए नेक्स्ट इमरजेंसी पुश बटन के फीचर्स पे आए तो ये इजीली विजिबल होना चाहिए बोथ इन कलर एंड शेप और मस्ट बी इजी टू ऑपरेट कहीं पे स्ट्रक नहीं होना चाहिए एल्स इन इमरजेंसी कंडीशन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सो हैव अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पुल बटन टू नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी पुल बटन्स काम कैसे करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था पी सी के, के केस में या फिर बी एस के, के, के केस में कि वो सब सीरीज में रहते हैं तो इमरजेंसी पुल बटन भी सीरीज में रहता है इन कंट्रोल सर्किट और जब भी इसको प्रेस करते हैं एक्ट करते हैं तो वो ओपन हो जाता है दैट मीन्स एन सी टू एन ओ का स्टेट में चला जाता है और सर्किट को आइसोलेट करता है फर्दर कुछ स्लाइड है जहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी स्विच बेल्ट के जस्ट बगल में ही प्लेस्ड है इस वाले एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे इमरजेंसी स्विच भी है और कॉर्ड भी जस्ट बेल्ट के बगल में प्लेस किया हुआ है फॉर बेटर सिक्योरिटी बेटर सेफ्टी फाइनली आते हैं हमारे लास्ट सेफ्टी इक्वमेंट पे दैट इज़ होटर और साइरन सो इसके फंक्शन पर आते हैं जो पहला फंक्शन है होटर साइरन का वो ये है कि एक ऑडियोबल वार्निंग या फिर अलार्म बताता है प्रोवाइड करता है लोगों को इंडस्ट्रीज़ में वाइल स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ कन्वेयर्स तो जब भी कोई एक सीरीज ऑफ कन्वेयर स्टार्ट हो रहा है स्टॉप हो रहा है तो उस केस में एक साउंड दे के एक वार्निंग दे के लोगों को अलर्ट करता है ऑपरेटर्स को टेक्नीशियन को अलर्ट करता है इवन इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ हैवी मशीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं या फिर हाइड्रा का ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी अलार्म या फिर वार्निंग प्रोवाइड किया जाता है कन्वेट सिस्टम छोड़ के जो जनरल पर्पस है एप्लीकेशन वहाँ पे भी होटर्स और सायरन का यूज़ किया जाता है फॉर एग्जांपल अगर किसी सिस्टम में किसी फैक्ट्री में या फिर प्लांट में कहीं कुछ फॉल्ट होता है और ज़्यादा लोगों को आपको इन्फॉर्म करना है तो जो फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होटर या फिर सायरन ही होगा जिसके बजाने से आप लोगों को बता पाएंगे ऑपरेटर्स को बता पाएंगे कि कुछ एप एक्टिविटी हुआ है और उस जगह से जल्दी बाहर निकले तो होटर का एग्जाम्पल आप पब्लिक स्लाइड में देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिंगल माउंट साइरन है ऑपरेटिंग वोल्टेज टू ट्वेंटी वोल्ट ए उसके अंदर का जो मोटर है उसका आर पी एम सिक्स थाउजेंड बॉडी एलमियम और जो उसका रेंज है वन किलोमीटर तो आप इतने दूर तक लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा इफ़ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग